अरे चलो, कैसे हो? चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज लाए हैं हम बालों के लिए नेचुरल डाई। बहुत ही बढ़िया, इसे कोई भी यूज करे, कोई नुकसान नहीं करेगा। मतलब फायदा अगर कम ज्यादा हो भी सकता है तो नुकसान तो कोई भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा है। जिस चीज को आप कचरे में, डस्टबिन में फेंक देते हो, उसी चीज से हम बनाएंगे एक बढ़िया सी डाई। डाई को दो तरीके से लगाना भी बताऊंगी। अगर एक आध बाल आपका रह जाता है, कहीं आप जाने वाले हो तब आपका मूड खराब हो जाता है, उसे हम कैसे लगाएं, काला करें उस बाल को, वो भी तरीका बताऊंगी। और नॉर्मल आपको बालों को काला करना है, ग्रे बालों को छुपाना है, तब भी आप कैसे लगाएं। तो दो तरीके हैं, आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ लिया है मैंने नारियल के छिलके, जो वेस्ट होते हैं जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। उन्हीं छिलकों को एक पुरानी लोहे की कढ़ाई या एल्यूमिनियम की कढ़ाई, कोई भी एक पुराना सा बर्तन ले लीजिए, उसमें आप गैस जला लीजिए मीडियम फ्लेम पे और इसे पकने के लिए दीजिए। अब धीरे धीरे इसमें धुआं थोड़ा आएगा, लेकिन आप थोड़ा धुएं को बचाइए अपने आप को और थोड़ा दूर रहकर इसे पकाते जाइए। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा ना करिए, धीरे धीरे वो आग लग गई तो धीरे धीरे सभी में लगती चली जाएगी। ध्यान रहे बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। इस तरीके से जैसे कंडे जलते हैं, ये भी जलता चला जाएगा। जैसे आपको लगे कि इसमें आग सी लग गई है, अब आप गैस को बंद कर दीजिए। बस अब इसी आग से सारी राख बन जाएगी। तो इस तरीके से देखा आपने, मिनटों में ये सारा जलकर इस तरीके से काला चूर्ण बन गया। अब इसे थोड़ी देर ठंडा करिए। ठंडा करके इस तरीके से रब कर लीजिए चम्मच से। अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनिए, अपने हाथों को ख़राब बिल्कुल ना कीजिए। अब इसे छान लीजिए, पतली छन्नी से छान लीजिए। पतली छन्नी से या पतले कपड़े से भी छान सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा है, पर आप जब बनाएंगे अपने लिए तो एक कपड़े से भी छान सकते हैं, जिससे वो जितना महीन होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। अब इसे, इस काले से मिश्रण को, इस पाउडर को आपको क्या करना है, ये नेचुरल तरीके का है, बहुत ही हेल्दी है। जिसे हम फेंक रहे थे, ये बहुत ही बढ़िया डाई बन चुका है। इसे मैं दो तीन तरीके आपको बता रही हूँ। अगर आप नॉर्मली बालों में मेहंदी लगाते हैं, अगर आपको आदत है, मेहंदी अच्छी लगती है आपको बालों में, तो उसमें भी एक चम्मच ये पाउडर डाल दीजिए। आपकी मेहंदी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये तरीका दूसरा, जैसे हम कहीं पार्टी में या कहीं जा रहे हैं, उस वक्त हमने बालों को देख लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट में एक आध बाल आपको लग रहा है कि ये तो वाइट आ गया, ये अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या करें, अब तो टाइम भी नहीं है। ऐसे में आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए और ये काला पाउडर ले लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे एक पतले से ब्रश से अपने बाल के ऊपर लगा लीजिए। थोड़ी देर से सूखने दीजिए, कंघा कर लीजिए। कोई कह ही नहीं सकता कि आपका बाल वो कहाँ चला गया। छू मंतर लीजिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये काला हो जाता है, हाथों को काला कर देता है। इसलिए देखिए मैंने भी ग्लव्स पहन के काम किया है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बोल रही हूँ, जो परमानेंट तरीका है, जो आपको हमेशा कभी भी ग्रे बालों को काला करने के लिए ये तरीका है। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए, जो भी आप बालों में लगाते हो उसमें आप ये भी डाल दीजिए पाउडर। अब पाउडर डालने के बाद आपका मन करे तो विटामिन ई, जो आपके बालों को और ज़्यादा स्वस्थ बनाता है, वो भी कट करके इसमें डाल दीजिए। तो होगा ये कि आप इससे आराम से ग्लव्स पहन के पूरे बालों में लगा के रख दीजिए। कम से कम दो तीन घंटे, चार घंटे लगा लीजिए, और नहीं तो एक स्कार्फ पुराना बांध के आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। बस सुबह नॉर्मल शैम्पू, जो लाइट शैम्पू होते हैं, उसी से आप बालों को वॉश कर लीजिए। आप बालों में आप लगाते रहिए और दिन ब दिन आपके बाल इतने अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि विटामिन ई भी जा रहा है, नारियल की छाल भी जा रही है और ऑयलिंग भी होती जा रही है। है ना बढ़िया, एक ही टाइम में दो दो तीन तीन काम, और चाहो तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। तो आपके बाल इतने बढ़िया हो जाएंगे, स्मूथ, और ना तो वो झड़ेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, टूटेंगे नहीं, बाल हमेशा काले रहेंगे। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए और इसे आप हर एज में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को। इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।